तबादले के बाद भी अपने पुराने जगह पर जमे पुलिस कर्मियों के लिए बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने तल्ख तेवर अपना लिए हैं। आपको बता दें कि डीजीपी का कहना है कि जिन पुलिस कर्मियों का तबादला हुआ है उन्हें हर हाल में अपने नई जगह पर जाना ही होगा। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे और ट्रांसफर हुए जगह पर वे अपना योगदान नहीं देंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही डीजीपी का कहना है कि आदेश पर अमल नहीं हुआ तो पुलिस कर्मियों के साथ साथ उनके नियंत्री पदाधिकारी पर भी कार्यवाही तय है। डीजीपी एसके सिंघल ने स्थानांतरण के बावजूद पुराने जगह पर जमे रहने के मामले में सख्त तेवर अख्तियार किया है। डीजीपी ने इस बाबत एक आदेश भी जारी किया है। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर हुए तबादले के बावजूद कुछ पुलिस अधिकारियों और जवानों के पुराने स्थान पर जमे रहने का मामला सामने आ रहा था, इसके बाद ही उन्होंने यह आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक ट्रांसफर किए गए पुलिस कर्मियों को 1 जनवरी 2021 से अपने ट्रांसफर किए गए जगह पर ही कार्यभार संभालना है। ऐसे कर्मियों के 1 जनवरी का वेतन भी नए जगह से ही जारी करने का आदेश भी डीजीपी ने दिया है। बावजूद इसके अगर पुलिसकर्मी नए स्थान पर योगदान नहीं देते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। डीजीपी ने साफ किया है कि नियंत्री पदाधिकारी अगर ससमय विरमित नहीं करते हैं और जनवरी का वेतन भुगतान उसी जिला या इकाई से होता है तो नियंत्री पदाधिकारी को भी दोषी माना जाएगा। उनके विरुद्ध इस आदेश के उल्लंघन के लिए कार्रवाई होगी। डीजीपी ने स्थानांतरित पुलिस कर्मियों को विरमित करने के आदेश देने के साथ साथ इस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। 10 दिनों के अंदर सभी एसएसपी, एसपी और कार्यालय प्रधान से इसकी जानकारी भेजने को भी कहा गया है।